हेलो एवरीवन, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सूत्र में। और आज है 11 मार्च, तो आज हम 11 मार्च से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे डेली वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड गाइस, चलते हैं अब अपने प्रश्न की ओर बिना टाइम गंवाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंद्रयान 3 को डिज़ाइन करने में लगभग कितना खर्च होगा? चंद्रयान 3 को डिज़ाइन करने अर्थात बनाने में लगभग कितना खर्च होगा? 610 करोड़, 310 करोड़, 540 करोड़, 944 करोड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 610 करोड़। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए संभावित कार्यक्रम 2021 की पहली छमाही में लॉन्च करने की योजना है। अर्थात चंद्रयान 3 को 2021 की पहली छमाही में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। चंद्रयान 3 को डिज़ाइन बढ़ाने के लिए बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता लगभग 610 करोड़ रुपए होगी, जिसमें लॉन्च रॉकेट के लिए 360 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी साल को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा? कौन सी साल को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा? 2024, 2021, 2020, 2023। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2021 को चंद्रयान 3 को लॉन्च की जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा हथियार का लेन देन करने वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, चीन, रूस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात अमेरिका कर रहा है, इसके बाद रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ अमेरिका, जापान, चीन, भारत। तो इसका आंसर है भारत, हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ भारत। क्वेश्चन नंबर 5, नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, कोलकाता, तेलंगाना, लखनऊ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 6, 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया? किरेन पोलार्ड, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा को 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन हैं? डेविस मालपास, जिंगपिंग, एंटोनियो गुटेरेस, उर्जित पटेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेविड मालपास। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत के मामले में भारत किस स्थान पर है? सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत के मामले में भारत किस स्थान पर है? चौथे, आठवें, छठवें, दसवें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, चौथे स्थान पर सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत के मामले में भारत है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, हाल ही में अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अशरफ गनी, अब्दुल्ला, खलील, मुस्तफ़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशरफ गनी को हाल ही में अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10,
हाल ही में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? हाल ही में एशिया के सबसे धनी अर्थात अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? जैकमा, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सत्य नडेला। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जैकमा हाल ही में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। तो फाइनली दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको डेली वीडियो अपडेट मॉर्निंग में मिल जाए। धन्यवाद।